नमस्कार दोस्तों, हम वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं जहां से हमने पिछले वीडियो को एंड किया था। सेम उसी सिस्टम में जो हमने कपड़े को काट के रखा हुआ था वैसे ही जमाया हुआ है। अभी हम इस पर सिलाई करना सीखेंगे। ये हमने इसलिए जमा के रखा है ताकि आप फ्रंट पोर्शन, बैक पोर्शन और जो भी कटिंग की जो पट्टियां हैं उनका क्या उपयोग है, उसको कैसे यूज करना है, कैसे रखना है, उसके बारे में भी आप सीख सकें, इसलिए हमने वैसे जमा के रखा हुआ है। तो मैडम से रिक्वेस्ट करते हैं कृपया सिलाई स्टार्ट करें। नमस्ते। देखो अभी हम स्टार्ट करते हैं तो ये मैंने क्रॉस पट्टियां लगा के कटिंग करके रखी थी जो कि हम हाथ के लिए और गले के लिए यूज करेंगे। ये जो बड़ी बड़ी पट्टियां हैं ये तो हम पूरा लगा सकते हैं, लेकिन आपको जानना चाहिए कि ये हम जोड़ेंगे कैसे। तो ये देखो, इसको ये क्रॉस थोड़ी पट्टी खींची जाती है तो ये एक इसका कोना है, इसके ऊपर ये दूसरी पट्टी का ये कोना। हम ऐसे रखें कि एक के कोना ये तरफ हो, दूसरी की कोना इस तरफ हो, और हम जब पट्टी ऐसे एक के ऊपर एक रखेंगे तब इसमें 90 डिग्री का कोण आना चाहिए। और इसके बाद ही हम ये रख के थोड़ा डिस्टेंस, जैसे मैंने पहले से ही बोल के रखा है कि एक पैर की सिलाई बोलते हैं उसको, ये करके हम उस पर ऐसी सिलाई डाल लेते हैं। ये सिलाई डालने के बाद हम धागा काटेंगे और ये बीच की जो सिलाई रहती है, जो हमने मार्जिन छोड़ा है, वो हम ऐसे चीर लेते हैं। इसको बोलते हैं ये सिलाई चीर के लेने की। इसके बाद ये बराबर दो तरफ ये कपड़ा आ जाएगा और ये जो ज्यादा हुआ बचा हुआ रहता है ये हम ऐसे थोड़ा काट लेंगे। इसके बाद हमें वो सिलाई में कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये देखो, ये देख सकते हैं हम कि ये ऐसा बीच में हम कर लेते हैं। सिलाई करते समय भी हम दो पार्ट ऐसे करके ऊपर से सिलाई चलाएंगे। और ये भी देखो सीधी पट्टी तैयार हो गई हमारी। देखो फिर हम ये भी तीसरी पट्टी भी वैसे जोड़ देंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि ये फ्रंट का कपड़ा है, जो फ्रंट पार्ट था हमारा वो हमने काट के रखा था, और ये बैक साइड के लिए जो हमने बाहर की तरफ से हमें लगाना है। ये देखो हमने मार्किंग अंदर की तरफ करके रखी थी, ये मार्किंग हमारा अंदर का पार्ट है। अगर हमें डिजाइन वाला कपड़ा है तो जल्दी समझ जाते, लेकिन हमें ऐसा मार्किंग करना जरूरी है। अभी यहाँ देखते हैं हम तो काज बटन के लिए पट्टी, काज बटन हो या हुक हो या प्रेस बटन हो, एक छोटी पट्टी हमने 1.25 इंच की काटी है। हम ऐसे लगाते समय लगाएंगे कि इसकी किनार बाजू में रखें और सिलाई इस तरफ करें। यहाँ भी हम थोड़ा 1/4 इंच से थोड़ा कम लेके सिलाई डालेंगे। यहाँ हमें ध्यान में रखना चाहिए कि ये हम पट्टी थोड़ी गले से ऊपर छोड़ दें और जहाँ हमने कटिंग की है वहां से थोड़ा 1 इंच नीचे छोड़ दें। साथियों आप देखें कि ये पट्टी जो है, मैडम ने जैसा बताया कि ये जो गले का जो है इससे थोड़ा सा ऊपर है, ये देखिए थोड़ा सा ऊपर है, क्योंकि हम फिर गले का शेप जब लगाएंगे तो वो पट्टी के बीच में सिलाई करते समय आ जाएगा। अगर हम ये नीचे लगाते हैं तो गले का शेप ऊपर छूट जाता है और बीच में थोड़ी गैप दिखती है तो वो अच्छा नहीं दिखेगा, इसलिए हम ये पट्टी ऊपर लेंगे। ये देखो हम काज की पट्टी हमेशा हमारे सीधे हाथ में लगाएंगे और बटन की पट्टी हमारे उल्टे हाथ में लगाते हैं। तो ये देखो मैं पहले आपको ये बटन की पट्टी उल्टे हाथ पे लगाने की कैसे तरीका है वो बताती हूँ। पहले हमने ये भी पट्टी थोड़ी ऊपर छोड़ दी, ये पट्टी मैंने बाजू में निकाल के रखी। उसके बाद इसका क्या फिक्स रहता है, लेफ्ट हैंड साइड में कौन सी पट्टी लगाना, लेफ्ट हैंड में बटन लगाते हैं और राइट हैंड में हम काज बनाते हैं। सिर्फ ब्लाउज बटन वाली पट्टी जो है वो चौड़ी है, चौड़ी है। सिर्फ ब्लाउज के लिए ये हम पोजीशन उलट करते हैं, उल्टा करते हैं। हुक लगाने का तरीका और ब्लाउज में हुक और बटन का तरीका थोड़ा अलग अलग रहता है, वो हम अगले वीडियो में ब्लाउज जब सिलाई करेंगे तब बता देंगे। लेकिन फ्रॉक के लिए यही तरीका है कि हम राइट में काज पट्टी लगाए और बटन पट्टी लगाए। ये देखो ये पहले हमने एक सीधी लाइन जहाँ तक हमने काटा था वहां तक ही लगा देंगे, फिर इसको हम उठा के धागा काट लेंगे। देखो अभी ये हमने यहाँ तक पूरी सिलाई डाल दी। अभी फिर हम ये ऐसा फोल्ड करेंगे मार्जिन इधर ही पकड़ के, ये देखो इसमें दाब सिलाई करेंगे, दाब सिलाई इसमें नहीं करेंगे। इसमें ऐसा करेंगे कि अभी ये इस तरफ अगर किनार है तो हम नहीं मोड़ेंगे, लेकिन यहाँ भी किनार नहीं है, यहाँ सीधा कपड़ा ही है तो हम थोड़ा सा फोल्ड करेंगे। और ये देखो ये जो पहले हमने सिलाई डाली है उसके थोड़े आगे ले जाएंगे, उसको बिल्कुल थोड़ा सा हम 1/4 इंच से भी एक लाइन कम यहाँ से। फिर हम सिलाई डालते समय ये जहाँ पट्टी खत्म होती है और हमारा जो बॉडी का कपड़ा शुरू होता है वहाँ हम एक छोटा सा ऐसा जगह है जहाँ ये पट्टी हमारी नीचे आई है वहां से हम सीधी सिलाई डाल देते हैं।
आप देख पा रहे होंगे अपोजिट साइड में कि ये इस गैप में ये जो गैप में थोड़ा सा इसको नीचे करें। हाँ, एक बार को बताना चाह रहा था कि ये जो गैप है, ये वाला जो गैप दिख रहा है, इसके ऊपर हमें ऊपर से देखो हमें थोड़ा गैप दिखता है। हाँ, ये से इधर ऊपर वहां से हम सिलाई डाल देंगे वो पकड़ के। कोई कोई वैसे ही करते हैं कि अंदर से पट्टी लगा के बाहर उसको फोल्ड कर देते हैं, लेकिन वो तो सही तरीका नहीं है। तो लगा लेते हैं, लेकिन सही तरीके से अगर हमें सिलाई करनी है तो हमें ये ऐसा ही करना चाहिए कि हम अंदर आधा फोल्ड करें इसको, और फिर ये जो बीच का लाइन है उसे पकड़ के ही हम सिलाई करें। अब देखो सिलाई करते समय मैंने ये यहाँ से नीचे निकाल लिया ये कपड़ा। ये देखो आप देख सकते हैं ये मेरी पट्टी इधर की तैयार हो गई। ये बैक साइड से देखो थोड़ा सा लाइन के आगे थोड़ा सा मेरा कपड़ा छूट गया, छूटा है, ताकि यहाँ से हम बाहर से बराबर सिलाई डाल सकते हैं। अभी इसी हिसाब से मैं यहाँ वो काच पट्टी लगा लेती हूँ। देखो काच पट्टी के लिए मैंने जो बॉर्डर थी ये इस तरफ की है, सिलाई के लिए मैंने बॉर्डर नहीं ली, तो ये हिसाब से थोड़ा आगे छोड़ के। आपको अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो ये आप ऐसा नीचे भी रख सकते हो और इधर से भी सिलाई डाल सकते हो। ये एक पैर की है, दो ये नहीं, एक ही पैर की सिलाई डालनी है हमें। ये देखो यहां से मैंने ये बाहर निकाल ली। इसको भी हम ऐसे नाखून से थोड़ा प्रेस करेंगे। ये देखो ये होगा। अभी यहाँ हम दाब सिलाई डालेंगे। अच्छा, यहाँ दाब सिलाई, यहाँ एक दाब सिलाई डालेंगे ताकि ये पट्टी हम पूरी अंदर डाल देंगे। तो इसके लिए देखो अभी दाब सिलाई जैसे हमने कल भी डाली थी झबले के लिए, वैसा ही है। इस तरफ हमने दाब सिलाई क्योंकि वो पट्टी हमें पूरी अंदर फोल्ड करनी है, वो बाहर से हमें पट्टी दिखनी नहीं चाहिए। और दाब सिलाई डालने के बहाने से हम ये देखो अभी हमने बताते हैं कि आपने दाब सिलाई डालते समय पहले वो पट्टी भी नाखून के हिसाब से पूरी ऐसी यहाँ एक तरफ कर ली थी। अभी ये सिलाई हमने जो डाल दी है ये बराबर हम यहीं से फोल्ड कर देते हैं अंदर की तरफ। ये देखो आप देख सकते हैं ये पूरी की पूरी पट्टी अंदर की तरफ चली गई, कौन सा भी इसका हिस्सा ये किनारे पे दिखता नहीं है, ये पूरी प्लेन लाइन दिखती है। अगर हम ये ज्यादा खींच नहीं लेते तो हो सकता है ये पट्टी थोड़ी सी आगे पीछे आ जाए, इसलिए हमें पूरे वो पट्टी खींच के दाब सिलाई डालिए। अभी ये दोनों हमारे होने के बाद हम ऐसा करते हैं, ये देखो ये नेक को नेक हमने बराबर लगा दिया। इसके बाद ये जो पट्टी दोनों हमारी बची है नीचे से, ये पट्टी को देखो हम यहां से जितना हमारा ये कटिंग था वहां से पकड़ के एक ऐसी छोटी सी सिलाई डाल देते हैं ताकि ये यहाँ फिक्स हो जाए, खुली नहीं। एंड पे है ना, एंड पे जहाँ हमारा कटिंग का एंड था वहां पे हम यहाँ एक दो सिलाई डाल देंगे क्योंकि फिर वो खुलेगा नहीं कभी भी। और फिर ज्यादा का बचा हुआ अगर हमारा कपड़ा है तो वो हम थोड़ा आधा ही छोड़ के काट देंगे। ये देखो अभी आप देख सकते हैं ये ज्यादा कपड़ा हमने काट लिया, और अभी ये देखो दो पार्ट हमारे जॉइंट हो गए हैं यहाँ, और ये हम अच्छा यहाँ हो सकता है कभी कभी छोटी सी एक प्लेट आ जाती है, लेकिन वो कभी कभी छोटी आती है या नहीं भी आती कटिंग में, अगर आपका थोड़ा भी इधर उधर हो गया तो छोटी प्लेट। ये हमारे काज बटन की पट्टी या हुक की पट्टी तैयार हो गई। इसमें भी हम हुक लगा सकते हैं, हुक भी लगा सकते हैं, यहाँ हम हुक लगाएंगे और इधर वो आय करते हैं उसमें लगाने के लिए, वो इधर करेंगे, नहीं तो इधर बटन लगाएंगे, इधर काज करेंगे, या प्रेस बटन भी हम लगा सकते हैं। अभी देखो इसमें हम और ये दोनों पार्ट जो हमने बैक अभी तैयार कर लिया, उसके बाद जो हमारा फ्रंट है ये देखो अभी हमारी ये बाहर दिखने वाली बाजू है, इसके ऊपर हम ये बाहर दिखने वाली बाजू है, ये देखो ये बाहर की साइज है क्योंकि हमने मार्किंग करके पहले से ही रखा है, ये हमारा अंदर की बाजू है। तो ये दोनों बाहर के हिस्से एक साथ रख के अभी हम शोल्डर, अच्छा फिर उसके बाद हम इसको उल्टा कर देंगे। हाँ फिर उल्टा करेंगे, वास्तव में वो सीधा होगा लेकिन। हाँ अच्छा, अभी पहले उल्टे तरफ से हम जब सिलाई डालेंगे, देखो यहाँ से हम सिलाई डालेंगे तो ये बराबर सीधा सीधा हो जाएगा। तो अभी हम यहाँ भी थोड़ा 5 इंच का छोड़ के, ये देखो यहाँ हमने कटिंग करते समय बराबर लिया, इसके लिए हम
बराबर हमारा कटिंग होता है तभी हमारे ये दोनों पार्ट बराबर आते हैं, नहीं तो कभी कभी कम ज्यादा हो जाता है, तो वो होना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर हो सकता है तो आप थोड़ा काट ले, इससे अच्छा है कि यहाँ पे भी क्या सुधार की गुंजाइश होती है इस जगह पे आके, थोड़ा सा अगर हो गया तो हम यहाँ पहले से ही काट लेते हैं, लेकिन होना तो नहीं चाहिए, लेकिन ठीक है पहले पहले सीखते हैं तो थोड़ा इधर उधर हो जाता है, उसी वक्त आप थोड़ा इधर उधर काट लो, ठीक है। लेकिन ये ध्यान में रखें कि ज्यादा नहीं कटिंग होने, तो चार का शोल्डर है तो वो कट्टे कट्टे तीन या साढ़े तीन हो जाए। ये देखो अभी हम यहाँ थोड़ा डिस्टेंस छोड़ के एक सिलाई डाल देंगे तो शोल्डर हमारा जॉइंट हो जाएगा और सीधी लाइन में हमें इसको टिप डालनी है। अभी तो हम यहाँ एक ही टिप डाल रहे हैं, लेकिन हमेशा शोल्डर पर आप दो दो टिप डालना चाहिए। ये देखो हमारे दोनों शोल्डर जॉइंट अभी हो गए एक ही साथ। देखिए कैंची की नोक का यहाँ पे उपयोग किया जा रहा है, क्योंकि हम धागा काटने की कैंची भी अलग आती है, लेकिन हम एक साथ मशीन में काम करते समय कितनी कैंचियां साथ में लेके बैठेंगे, इसलिए इसी के नोक से हम डालेंगे। ये देखो अभी हमारा शोल्डर ज्वाइंट हो गया, देखने के बाद आपको ये ऐसा दिखेगा। अच्छा ये है, ये हमारा बैक, ये हमारा फ्रंट। अभी हम इसके आगे आपको यहाँ जो हमने पाइपिंग काटी है वो यहाँ लगा के रखे बताएंगे और यहाँ लगा के। तो दोस्तों इस वीडियो में केवल इतना ही। हमने अभी दोनों ये जो नेक है, नेक और जो उसको हमने इसमें किया और कनेक्ट किया, यानी दोनों पोर्शंस को नेक की तरफ से कनेक्ट किया और साथ में हमने इसमें काज लगाने वाली पट्टी भी लगा दी। अभी अगले वीडियो में देखते हैं कि क्या होगा। ये आपके लिए थोड़ा सरप्राइज है, पर काम वही होगा कि पेटीकोट को कैसे सिला जाता है या इनको कपड़ा काटने के बाद इनको कैसे आपस में जोड़ा जाता है। तो इंतजार करते रहिए, धन्यवाद।